अब ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या ठीक है एल यू इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्यूमलेटर वी हैव टेम्प्रेरी रजिस्टर वी हैव सम फ्लैग एंड दिस इज़ एन ए एल यू एल यू के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ए एल यू इज़ अ पार्ट ठीक है यहाँ पर एल यू जो है सिर्फ एक पार्ट है अगेन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वी हैव इंस्ट्रक्शन डी एंड मशीन कोडिंग वी हैव लॉड ऑफ थिंग्स अगे वी हैव दिस प्रोग्राम काउंटर ठीक है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एंड दिस इज प्रेजेंटिंग एंड टाइम इन कंट्रोल एंड दिस टाइमिंग इन कंट्रोल इज क्रिएटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर अभी हम देखें इसका डिजाइन कैसे करना है तो उसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे सो दिस टाइमिंग इन आई मीन दिस इज टाइम इन कंट्रोल सर बट अगेन जो आपकी सिस्टम बस है सिस्टम बस इज क्रिएटिंग मल्टीप्लेक्सर ये तो टाइमिंग इन कंट्रोल है सो दट इज अ डिफरेंट थिंग सो दिस इज आई एम टॉक अबाउट दिस थिंग ये जो आपकी डेटा बस है फोर बी डेटा बस दिस इज क्रिएटिंग योर मल्टीप्लेक्स बट एनी विज डोंट कैन कन्फ्यूज इसे कन्फ्यूज मत हुई है आर डिस्कस अबाउट इट सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जैसे नाइनटीन सेवेंटी वन से नाइनटीन सेवनटी टू के बीच में द फर्स्ट प्रोसेसर दैट वॉज इंट्रोड्यूसड वॉज इंटेल फोर थाउजेंड फोर एंड इंटेल फोर थाउजेंड फोर्टी एंड इट वॉज अ फोर बट माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आपके पास फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था द नाइनटीन सेवनटी फोर इंटेल एट जीरो एट जीरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इट वॉज अ एट बिट माइक्रो प्रोसेसर दैन इफ यू कम बैक हेयर देन यू कैन सी इन नाइनटीन सेवनटी सिक्स आपकी जो सी लैंग्वेज है योर सी लैंग्वेज वॉज डिज़ाइनड इन नाइनटीन सेवनटी टू बाई डेनिस रिची तो सी लैंग्वेज के डिज़ाइन होने के बाद नाइनटीन सेवनटी सिक्स के अंदर हमारे पास इंटेल एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर आया था विच वॉज द मोस्ट फेमस माइक्रो प्रोसेसर सो अभी जो हम सिलेबस में स्टडी करते हैं मोस्टली इन योर बी टेक वी यू स्टडी एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर एंड एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर तो आपका जो 8085 था दैट वाज अ 18 बिट माइक्रो कंट्रोलर एंड हियर दिस 8086 इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ओके अब उसके बाद यू कैन सी हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत हमने प्रोग्रेस की इन in 1993 इंटेल पेंटियम वाज इंट्रोड्यूस्ड देन वी हैव पेंटियम प्रो देन वी हैव पेंटियम टू नाइनटीन में पेंटियम टू आ गया था देन इन ईयर टू थाउजेंड पेंटीएम फोर वॉज इंट्रोड्यूस्ड तो so, जो मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर आई बॉट दैट वाज इन 2006 मैंने 2005-2006 में अपना पहला कंप्यूटर लिया था एंड इन माय कंप्यूटर आई यूज़ टू हैव पेंटियम 4 प्रोसेसर सो दैट वाज अ पेंटियम 4 3.06 फोर प्रोसेसर ओके दैट वाज अ 32 बिट वो जो मेरा कंप्यूटर था वो थर्टी बिट का था दैट मीस आई कैन ओनली हैव फोर जी ऑफ रैम बट दैट टाइम आई बाइट्स ऑफ ऑफ रैम अब जो 2008 में इन द ईयर 2008 थाउजेंड एट प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस आई सेवन इज़ अ सिक्सटी फोर बिट प्रोसेसर तो यानी कि आप कह सकते हैं फ्रॉम 2006 एंड सेवन ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर टू थाउजेंड से पहले आपके जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो 64 बिट के नहीं थे फ्रॉम 2006 थाउजेंड सिक्स एंड सेवन दे स्टार्टेड यूजिंग सिक्सटी बिट माइक्रो प्रोसेसर हिर तो ये आपकी एक हिस्ट्री है ओके okay? अब इन सभी कॉम्पोनेट्स को कनेक्ट करने के लिए यू नीड मदर ठीक है जैसे एक मदर है राइट दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मदर सो मदर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है अर्लियर दिस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था सो फर्स्ट मदर बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन एटी वन तो मदर बोर्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड हुआ करता था वेयर यू कैन जस्ट इंसर्ट ऑल ऑफ दिस कॉम्पोनेंट जैसे आपने यहाँ पर एक आई सेवन प्रोसेसर को डाला यू कैन इंसर्ट योर मेन मेमोरी और यू कैन से रैम हियर यू हैव सम कैश मेमोरी हेयर और इस मदरबोर्ड के अंदर ही या जो आपकी uh, जो मल्टीप्लेक्सर यानी कि जो आपका डेटा बस है कंट्रोल बस है वो सभी मदरबोर्ड के अंदर ही एम्बेडिड होते हैं सो दैट दिस कॉन्फ्रेंट्स कन वर्क टुगेदर तो जो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट है दैट वॉज इंट्रोड्यूसड इन नाइनटीन एटी वन ठीक है चलो सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मेमोरी चिप राइट तो हम मेमोरी चिप के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो मेमोरी चिप का कॉन्सेप्ट क्या है सो बेसिकली योर मेमोरी चिप इज़ योर सम सेल्स मतलब कहने का मतलब क्या है देखो आप एक मेमोरी चिप को रजिस्टर से भी क्रिएट कर सकते हैं नाउ अभी आपको समझ आया रजिस्टर कैसे बनाते हैं राइट रजिस्टर कैसे बनाते हैं वी हैव फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप को हम कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग अ फ्लू फ्लॉप आई कैन मेक अ रजिस्टर दैट्स इट ठीक है नाउ इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी चिप हम यहाँ पर मेमोरी चिप की बात कर रहे हैं करेक्ट अब ये जो मेमोरी चिप है अस अज्यूम वी हैव अ 64 के क्रॉस 8 मेमोरी चिप हमारे पास 64 के क्रॉस 8 मेमोरी चिप है यानी कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो डायग्रामेटिक का मतलब क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास 64 के सेल है और हर एक सेल के अंदर हम 8 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे बट बेसिकली इसको कैसे बना सकते हैं वेरी वे वेरी ईजी वे यू कैन टेक रजिस्टर्स कितने रजिस्टर्स सिक्सटी फोर थाउजेंड रजिस्टर्स राइट सो यू कैन टेक अ रजिस्टर हियर राइट सो दिस रजिस्टर इज ऑफ़ एट बिट रजिस्टर यू कैन टेक अनदर रजिस्टर इट इज़ ऑल्सो ऑफ़ एट बिट रजिस्टर यू कैन टेक अनादर रजिस्टर इट इज़ ऑफ एट बिट रजिस्टर इन द सेम वे यू कैन टेक टोटल सिक्सटी फोर के दैट इज़ टू रजिस्ट पावर सिक्सटीन माइनस वन रजिस्टर्स आप इतने रजिस्टर्स ले सकते हैं एंड इन एवरी रजिस्टर यू कैन स्टोर एट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हर एक रजिस्टर के अंदर आप आठ बिट की इन्फॉमेसन को स्टोर कर सकते हैं करेक्ट अब मैं क्या करूँगा अब मैं क्या करूँगा आईसेट की हर एक मेमरी में जो आपकी मेन मेमरी है एवरी लोकेशन विल भी हैविंग सम काइंड ऑफ एड्रेस जैसे ये जो लोकेशन है इट विल बी हैविंग एन एड्रेस जीरो दिस लोकेशन विल भी हैविंग एन एड्रेस वन दिस लोकेशन विल बी हैविंग एन एड्रेस टू

अब जनरली कोई भी रजिस्टर होता है दैट रजिस्टर इज हैविंग थ्री लाइंस जैसे आपके पास एक लाइन यहाँ पर हो सकती है दैट इज अ लोड लाइन लोड करेक्ट सेकेंड लाइन दैट वी कैन हैव इज क्लियर राइट एंड थर्ड लाइन दैट वी कैन हैव इज़ इंक्रीमेंट तो इस तरीके से रजिस्टर के अंदर लाइन होती तो है बट अगेन आई एम जस्ट कंसिडर आई एम जस्ट फॉर एग्जाम्पल परपज मैं यहाँ पर रजिस्टर को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ पर एग्जाम्पल पर्पज पर पर के ले रहा हूँ अदरवाइज वी कैन हैव मेमरी सेल तो जस्ट इमेजिन कि ये जो भी आपकी मेमोरी सेल है इन सभी मेमोरी सेल्स के अंदर वी हैव टू ऑपरेशंस द फर्स्ट ऑपरेशन इज योर रीड ऑपरेशन एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज योर राइट ऑपरेशन सभी के अंदर हमने रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन ये दो यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज प्रजेंटिंग अ रीड ऑपरेशन दिस इज राइट दिस इज प्रजेंटिंग अ रीड ऑपरेशन एंड दिस इज राइट ऑपरेशन ये सभी जो रीड और राइट ऑपरेशन है वी आर गोइंग टू कंबाइन कनेक्ट देन विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल लाइन हम कंट्रोल लाइन्स को लेंगे सो लेटस एज्यूम दिस इज प्रजेंटिंग अ कंट्रोल लाइन दिस इज़ कंट्रोल लाइन राइट हमारे पास दो कंट्रोल लाइन है फॉर एवरी लोकेशन आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैम विद कंट्रोल लाइन हम सभी लोकेशन को किसी कंट्रोल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे ओके वी आर गोइंग टू कनेक्ट ईच ऑफ दिसकेशन विद्प ऑफ सम कंट्रोल लाइन लाइक दिस ठीक है अब इन सभी के साथ आई कैन यूज अ डिकोडर मैं यहाँ पर एक डिकोडर को यूज़ करता हूँ राइट सो अब ये जो डिकोडर देखो यहाँ पर कितने सेल है आपके पास वी हैव टू रेस्ट अबाउट सिक्सटीन सेल्स कितने सेल आपके पास टू रेस्ट पावर सिक्सटीन टू पावर सिक्सटीन जो होता है वो सिक्सटी फोर के के इक्वल होता है right? राइट तो वी हैव टू रेस्ट पावर सिक्सटी सेल्स तो जो डिकोडर है इसके अंदर सिक्सटीन इनपुट होंगे सो वी आर गोइंग टू हैव सिक्सटीन इनपुट सो दिस इज सिक्सटीन क्रॉस टू रेस्ट पावर सिक्सटीन डिकोडर और जो भी इसके आउटपुट है वी आर गोइंग टू गिव दीज आउटपुट टू दीज सेल्स राइट यस दीज आर प्रेजेंटिंग मेमरी सेल्स तो हर एक आउटपुट को हम लोग हर एक सेल के अंदर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गिव दीज आउटपुट हैज एनेबल इनपुट हम सभी को यहाँ पर इसे एज ए एनिबल इनपुट यहाँ पर देने वाले हैं ओके सो वट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इसका बेनिफिट क्या है देखो अगर कोई एड्रेस जनरेट होता है लेटर सप्यूज सी पी यू ने एक एड्रेस जनरेट किया दैट आई वॉन्ट वन वन ज़ीरो जीरो वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो राइट सो दिस इज़ फोर दिस इज़ फ़ोर ज़ीरो 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 वन 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 राइट सो अगर सी पी यू ने इस तरीके से कोई एड्रेस जनरेट किया है देन वी शुड बी एबल टू गो टू द मेमरी एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन हम मेमरी के अंदर उस स्पेसिफिक सेल के पास जाएँ और उस सेल के पास जाकर हम उस डेटा को रीड कर पाए राइट right? या फिर उस लोकेशन पर जाके हम डेटा को राइट कर पाए दिस इज वॉट वी वॉन्ट तो बेसिकली जो भी सी पी यू एड्रेस जनरेट करेगा आई एम गोइंग टू गिव ऑल ऑफ दिस एड्रेस इन दिस डिकोडर उन सभी एड्रेसेस को हम इस डिकोडर को इनपुट देंगे ठीक है अभी डिकोडर क्या करेगा दिस डिकोडर अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेस दिस डिकोडर विल एनेबल वन ऑफ दिस लाइन इसमें से एक लाइन को इनेबल करेगा बाकी सभी लाइन्स को इट विल बिकम इट विल डिसेबल बाकी सभी लाइन को डिसेबल डिसेबल कर देगा ओके एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल वेदर यू वॉन्ट टू रीड और राइट हम इस लोकेशन से या तो डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर डेटा को राइट कर सकते हैं सो वट एवर डेटा इज प्रजेंट हियर आई कैन गिव इट टू द डेटा बस या तो हम डेटा बस से इसके अंदर डेटा डेटा को डाल सकते हैं यानी कि राइट करना है इसके अंदर या फिर इसके अंदर से डेटा को हम डेटा बस के अंदर डाल सकते हैं दैट इज़ परफॉर्मिंग एज यू नो रीड ऑपरेशन तो कंट्रोल सिग्नल के बेसिस से डिसाइड होगा कि हमें रीड करना है या राइट करना है और डिकोडर से क्या डिसाइड होगा कि जो भी एड्रेस सी ने जनरेट किया है कि उसमें से कौन से सेल को हमें यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक्टिवेट करना है दिस इज वट वी आर गोइंग टू डू ओके सो दिस इज़ अ रफ आइडिया कि हम मेमरी चिप को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये उसका एक रफ आइडिया है ओके ठीक है तो यहाँ पर दिस इज़ यू नो दिस इज़ गिवन हियर तो ये एक रफ आइडिया है मेमोरी चिप आईसी का मेमोरी आईसी सो इन योर मेमोरी आई सी राइट हीयर यू कैन सी वी कैन यूज़ अ रिकॉर्डर यहाँ पर एक रिकॉर्डर को यूज़ कर रहे हैं एंड विद दिस रिकॉर्डर वी आर यूजिंग सम प्लेसिस वेर वी कैन स्टोर द डेटा और इन सभी से हम डेटा को आउटपुट कर सकते हैं और वी कैन गिव डेटा एज इनपुट तो अगर आप चेक करेंगे सो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ अ रजिस्टर ये सभी कुछ रजिस्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी आर इन सर्टिंग द डेटा पैडल ही सो वी आर डूइंग पैरल इन एंड वी आर गेटिंग पैरल आउट यहाँ से हम पैरल इन कर रहे हैं और पैरल आउट कर रहे हैं

डी रैम आई सी वी हैव ए ई पी रोम आई सी वी हैव ई एम एम सी तो जितने भी आपके पास आई सी है नोर फ्लैश एफ और वट एवर आईसीज यू हैव तो इन सभी आईसीज़ की जो डिज़ाइनिंग है और जो फंक्शनैलिटी है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है दे हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच ऑफ दिज आईसीज कम्प्लीट डिटेल्स राइट सो कि मेमरी आई सी क्या होती है हाउ कैन यू डिज़ाइन दिज मेमरी आईसीज वेयर कैन यू यूज़ दिस मेमरी आईसीज सम एग्ज़ाम्पल्स जैसे यहाँ पर दिस सम आईसीज़ आर इवन यूज इन योर यू नो Uh, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं डेबिट कार्ड्स हैं इन योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दिस स्मॉल चिप इज़ रिप्रेजेंटिंग एन आईसी ठीक है, है card, तो आपकी जैसे ये आईसी है दिस इज़ यू नो वन ऑफ द आईसी दैट दे हैव यूज्ड तो इस डेबिट कार्ड मेमोरी कार्ड के अंदर भी हम लोग आईसी को यूज़ करते हैं ओके यस तो हम लोग मेमोरी चिप के अंदर अगेन वी कैन यूज़ अ रीड एंड राइट तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द आईसी मॉड्यूल दैट इज़ यूज्ड इन योर रैम तो एक क्रूशियल रैम है सो हियर अगेन यू कैन यूज़ द आईसी तो so, यहाँ पर यू कैन सी वी हैव डी रैम आई सी तो आपके पास आई सीज़ हैं कौन सी मेमरी में कौन सी आई सी यूज़ किया सो दिस इज़ अगेन ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अगर आप इंटरेस्टेड है दौन ओनली को थ्रू दिस अदरवाइज आपको इसमें गो थ्री करने की जरूरत नहीं है सो देसो स्पेसिफाइड द कनेक्शन ऑफ सम ऑफ़ दिस आई सीज़ कुछ आई सीज़ का जो ब्लॉक डाइग्राम है और जो कनेक्शन है तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है इफ़ यू वॉन्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड दैन यू कैन यू नो चेकआउट दीज थिंग्स इफ़ यू फील लाइक अदरवाइज द इज नो नीड अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है बट ओनली अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं आईव इंक्लूडेड द लिंक सो यू कैन सी इट हीयर ऑल्सो ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर चलो लेट इस मूव फॉरवर्ड ठीक है तो हमारा देखो मेन एम क्या है कि हमें ना ये समझना है इस पूरे डायग्राम को समझना है ये हमारा मेन एम है तो इस पूरे डायग्राम को समझना ही सबसे बड़ी हमारे लिए पूरी वो है ठीक है तो लेटइस कंटिन्यू ठीक है तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि मेमोरी कैसे डिजाइन की जा सकती है हाउ कैन यू डिज़ाइन मेमोरी हाउ कैन यू पास एड्रेसेस टू द मेमोरी एंड हाउ कैन यू एनेबल दोज एड्रेसेस